भंडारा जिला पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आपराधिक वारदातों में शामिल दो बदमाशों के खिलाफ MPDA कानून के तहत कार्रवाई कर दोनों की गुरुवार 8 अगस्त को नागपुर के मध्यवर्ती कारागार तथा वर्धा के जिला कारागार में रवानगी की गई। आरोपियों में गणेशपुर के अम्बेडकर वार्ड निवासी चिराग नमोद कजबिये उम्र 27 वर्ष तथा लुकेश उर्फ लुका संजय जोत उम्र 26 वर्ष का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिराग नमोद कजबिये व लुकेश उर्फ लुका संजय जोत यह वर्ष 2023 से अलग अलग अपराधों में सक्रिय थे। दोनों समाज के लिए खतरा बन चुके थे। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक रोहित मतानी के मार्गदर्शन में चिराग कजबिये तथा लुकेश उर्फ लुका जोत के खिलाफ MPDA कानून के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने 8 अगस्त को मंजूरी दी, जिसके बाद पुलिस ने चिराग कजबिये के नागपुर के जिला मध्यवर्ती कारागार में तथा लुकेश उर्फ लुका जोत की वर्धा के जिला कारागार में रवानगी की गई। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक रोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, भंडारा थाने के थानेदार पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी, पुलिस निरीक्षक दीपक चालूरकर, पुलिस हवालदार राजेश पंचबुद्धे, पुलिस नायक अंकुश पुरा, पुलिस अमलदार योगेश ढबाले, पुलिस नायक अजय कुकड़े, पुलिस नायक सुनील राठौर, पुलिस अमलदार नरेंद्र झलके आदि ने अंजाम दिया। सर क्या बताइए, दो लोगों पे MPD की कार्रवाई हुई है, किस प्रकार हुई है और कुत्ते कुत्ते इसमें भेजा गया? भंडारा शहर में गणेशपुर गैंग, तो गणेशपुर गैंग के दो लोग हैं चिराग गजबी और लुकेश जोर, जिनके ऊपर 3 गुने दाखिल है, एट्रोसिटी मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर। इन लोगों पर जो कल भंडारा शहरी कायदा व व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह ये लोग खड़ा कर रहे थे, तो इनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई हुई है MPDA के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत उनका हमने प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव देने के बाद आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको MPDA के अंदर जेल पास किया गया। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उनके प्रेजेंस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था, क्योंकि उनके जो गैंग है और उनके सामने वाली जो गैंग है उनके बीच में जो एक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा थी, और उसके ऊपर से जो बॉडी ऑफेंसेस हो रहे थे उसको रोकने के लिए ये जो जरूरी और अर्जेंट कदम लिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके बाद भी हम लोग कठोर कदम दोनों ही गैंग पर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जितने भी जो भी गैंग के लोग हैं वो भंडारा शहर में से या तो बाहर जाए या फिर जेल में जाए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।